नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं, राजस्थान पुलिस के अंदर हमारे बनाए गए कंप्यूटर से संबंधित वीडियोस में से कुल 25 क्वेश्चन मिले थे पेपर में। उसी प्रकार पटवारी का भी हमने एक सिलेबस के आधार पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कुछ टॉपिक्स तैयार किए हैं, जिनके क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों पहला वीडियो आज ये है, इसके बाद रेगुलर वीडियोज आएंगे, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों बिना समय वेस्ट किए मैं आपको क्वेश्चंस की ओर लेके चलता हूँ। सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ लें, इनके आंसर्स भी मैं आपको बताऊँगा, साथ ही साथ आपका ये भी आपको पता लग जाएगा कि अब तक की आपकी तैयारी कैसी क्या है उसका आपको मालूम चल जाएगा। हम बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कंपनी उद्योग एंटरप्राइजेज ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किया था, मतलब सबसे पहले किसने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किया था। ऑप्शन है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या फिर जेरोक्स। और दोस्तों आपको बताना है कि GUI का सबसे पहला जो आविष्कार है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया था, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा विकल्प GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI पर आधारित नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, GUI पर आधारित यहाँ पर MS-DOS नहीं है, MS-DOS GUI पर आधारित नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि GUI जो है इसका पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। साथ ही साथ MS-DOS का भी पूरा नाम मैं आपको बता देता हूँ, दोस्तों MS-DOS का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो CLI पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों MS-DOS CLI पर आधारित है, तथा आपके बाकी जो है विंडोज है, macOS है, लाइनक्स है, ये सब किसके ऊपर आधारित है, GUI पर। मैं आपको बता दूं, मोस्ट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर छांटे हैं राजस्थान पुलिस में भी, इनमें से बहुत सारे 25 में से 25, जैसे हर पेपर में 25 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे यहाँ क्वेश्चन से मिले हैं, तो आप लोग यहाँ से रेगुलर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है अगर इनके प्रैक्टिस सेट वगैरह लेना चाहते हैं, उनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप हमारी वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूरा नाम क्या है। दोस्तों URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पर बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मैं आपको बता दूँ URL क्या होता है। दोस्तों URL किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है, URL किसी वेबसाइट के एड्रेस को कहते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, URL जैसे www.vacancyguru.in.in है ना, ये क्या है, ये वेबसाइट का एड्रेस है, तो इसे हम URL कहेंगे। जैसे कि www.google.com एक URL का उदाहरण है, ठीक है, और इसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। ऑप्शंस हैं गूगल क्रोम, यूट्यूब, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर मोजिला फायरफॉक्स। आप सभी को पता होना चाहिए वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग हम इंटरनेट चलाने के लिए करते हैं। दोस्तों गूगल क्रोम भी वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स भी वेब ब्राउजर है, यहाँ पर यूट्यूब जो है वेब ब्राउजर नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए यूट्यूब वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्च इंजन नहीं है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ऑप्शंस आपके सामने हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, www.google.co.in ये भी वेब ब्राउजर का उदाहरण है, bing.com भी सर्च इंजन का उदाहरण है, वेब ब्राउजर नहीं। तीसरा yahoo.com ये भी सर्च इंजन है, मतलब कौन सा सर्च इंजन नहीं है, यहाँ पर जीमेल ये सर्च इंजन नहीं है, बाकी गूगल, बींग जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। आपको पता होना चाहिए बींग कौन सी कंपनी का सर्च इंजन है, तो आपको पता होना चाहिए बींग जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, याहू और गूगल ये तीनों जो है सर्च इंजन के उदाहरण है, जबकि जीमेल, तो इसका सही जवाब रहेगा gmail.com। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंटरनेट का फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, मतलब इंटरनेट पर फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल में लिया जाता है। दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा FTP जो है इसका पूरा नाम रहता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP का, ठीक है। आगे हम बात करें, यहाँ पर
TFT का पूरा नाम थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, SMPS का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। SMPS क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। SMPS आपके कंप्यूटर में एक पावर बैकअप के रूप में कार्य करता है। मतलब पावर बैकअप के मतलब कैसे, अगर आपके कंप्यूटर में लाइट भी चली जाए तो आपके कंप्यूटर को कुछ देर तक चालू रखने का कार्य SMPS करता है। स्विच मोड पावर सप्लाई इसका पूरा नाम है। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया है। निम्न में से कौन सा विकल्प अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को निष्पादित करता है? इनमें से कौन सा है जो अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस को निष्पादित करता है? ऑप्शंस हैं स्टोरेज यूनिट, CPU, इनपुट यूनिट या फिर रैम। और इसका सही जवाब रहेगा CPU। दोस्तों ये पूछ रहा है कौन सा विकल्प है जो अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस को संपादित करता है। आपको मैं बता दूं, ALU जो होता है CPU का भाग होता है, ALU ये अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस को संपादित करता है। तो इसी के बारे में पूछ रहा है कि ALU किसका भाग है, तो आपको पता होना चाहिए ALU CPU का भाग होता है। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, यानी कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं रैम, रोम, हार्ड डिस्क या फिर केस। और इसका सही जवाब रहेगा हार्ड डिस्क, ये सेकेंडरी स्टोरेज है। रैम और रोम जो है ये प्राइमरी स्टोरेज है, ठीक है ना। अगर इनकी बात करें ये और ये प्राइमरी स्टोरेज है, हार्ड डिस्क जो है ये सेकेंडरी स्टोरेज का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई सूचना को यूजर के लिए उपयोगी स्वरूप में प्रदान करता है या फिर रूपांतरित करता है? ऐसा कौन सा आपका विकल्प है इनमें से जो प्रोसेस की गई सूचना को यूजर के सामने प्रस्तुत करता है, प्रोसेस कर दी गई उसके बाद यूजर के सामने लाता है? और उसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही जवाब रहेगा आउटपुट डिवाइस या फिर आउटपुट यूनिट। मतलब आपके कंप्यूटर में जो प्रोसेस हुआ उसको आपके सामने प्रदर्शित करने वाले डिवाइस का नाम जो है वो रहेगा आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन, रैम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? रैम के बारे में क्या गलत है आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। ऑप्शंस हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फाइलों के चल रहे घटकों को अस्थायी रूप से रैम पर प्रोसेसर के लिए संग्रहित किया जाता है ताकि ऑपरेशंस करते समय उन्हें एक्सेस किया जा सके। ये सही है, ये गलत नहीं है। मतलब जब आप कंप्यूटर में काम कर रहे रहते हैं तो जब वर्तमान में जो फाइल कंप्यूटर में चल रही है वो फाइल रैम में सेव होती है, ये कहना चाह रहा है, ये बात सही है। दूसरा, यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरीज में से एक है, ये बात भी सही है, रैम प्राइमरी मेमोरी है। तीसरा, रैम का अर्थ रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये बात भी सही है, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। चौथा है, कंप्यूटर के बंद होने पर रैम की सामग्री कंटेंट लुप्त नहीं होता, ये बात गलत है। दोस्तों आपको बता दूं, रैम जो है एक अस्थायी मेमोरी का प्रकार है, तो यह कंप्यूटर में लाइट ऑफ होने पर कंप्यूटर के सभी डेटा को नष्ट कर देती है, अर्थात इसे वोलेटाइल या फिर अस्थायी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसका जवाब रहेगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करो, गलत क्या है? ऑप्शंस है लेजर जेट प्रिंटर, मतलब चारों में से कौन सा एक अन्य कैटेगरी का है, लेजर जेट प्रिंटर, टच पैड, लाइट पेन या स्कैनर। दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा लेजर जेट प्रिंटर, क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस है, बाकी सारे जो देख रहे हो ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण है, ये इनपुट है सारे और ये बाकी लेजर जेट प्रिंटर जो ये आउटपुट का उदाहरण है। दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, एक ऐसी ट्रिक जिससे आप इनपुट व आउटपुट को याद कर सकते हो कि कौन कौन से डिवाइस इनपुट है, कौन कौन से आउटपुट है, ठीक है, आप ध्यान से समझिए। दोस्तों स्कैनर को छोड़कर जिस भी किसी डिवाइस के नाम में, स्कैनर को छोड़कर जिस किसी भी डिवाइस के नाम में लास्ट में ER या फिर OR आ जाए वो आउटपुट डिवाइस होता है। स्कैनर को छोड़कर जिस भी किसी की डिवाइस के नाम में अंत में ER या फिर OR आ जाए उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि उदाहरण दे देता हूँ मैं, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, ठीक है, और आपका जो है प्लॉटर, ये सारे जो डिवाइस हैं ये आउटपुट डिवाइस है जिनमें लास्ट में ER या फिर OR आता है, आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ट्रैक बॉल और स्पीकर। मैंने आपको बताया था अभी कि ऐसा डिवाइस जिसके नाम में लास्ट में ER आ जाए या फिर OR आ जाए ये आउटपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। तो आप सभी को पता लग गया होगा कि स्पीकर जो है, स्पीकर की स्पेलिंग होती है SPEAKER,
ठीक है, यहाँ पर ER आ गया, इसका मतलब ये आउटपुट डिवाइस है, बाकी सब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी कि MICR और OMR और ट्रैक बोल, तीनों इनपुट डिवाइस के उदाहरण है और स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, तो इसका सही जवाब रहेगा स्पीकर। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला है, निम्न में से किस डिवाइस का प्रयोग हम हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित करने के लिए करते हैं, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है। दोस्तों हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने वाला डिवाइस है स्कैनर। ठीक है, ये हार्ड कॉपी जो अपना डॉक्यूमेंट रहता है उसको स्कैन करके कंप्यूटर में ले जाता है। अगर आपसे उल्टा पूछा जाए कि कौन सा डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल देता है, तो आप उसका जवाब देंगे प्रिंटर। ये तो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है और ये जो है ये हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं, मतलब मोशन जो डेटा होते हैं उनको कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है ट्रैकबॉल, बारकोड रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्ट रिकॉग्निशन या फिर लाइट पेन, और उसका सही जवाब बिल्कुल लाइट पेन रहेगा। मोशन डेटा को कंप्यूटर में ले जाने के लिए या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ले जाने के लिए लाइट पेन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम चलते हैं, ध्वनि को रिकॉर्ड व उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करते हैं, ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए या फिर प्रोड्यूस करने के लिए साउंड कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मॉनिटर का आउटपुट दिखाने के लिए, चित्र दिखाने के लिए, प्लॉटर का, प्रिंटर का एक प्रकार है छापने के लिए, जॉयस्टिक का तेज गति से गेम खेलने के लिए, कंप्यूटर गेम खेलना हो तो इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए या फिर प्रोड्यूस करने के लिए साउंड कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विषम का चयन करें, कौन सा एक मतलब गलत है, विषम का चयन करना है, माउस, रोम, कीबोर्ड और माइक्रोफोन। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर माउस इनपुट डिवाइस है, रोम मेमोरी का प्रकार है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, तो अलग कौन सा हुआ, आप सभी को पता लग गया होगा रोम, रोम एक विषम ऑप्शन है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर में संग्रहित डेटा को हार्ड कॉपी उत्पन्न करता है। अभी कुछ देर पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया कि कंप्यूटर से हार्ड कॉपी कौन निकालता है, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कौन बदलता है, और आपको सभी को पता लग गया होगा अगर सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में बदलना है तो प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं, और हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में बदलना हो तो स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल में एक शिक्षक 50 से अधिक छात्रों के समूह को वीडियो दिखाना चाहता है, तो वो निम्न में से किस डिवाइस का प्रयोग करे, मतलब एक टीचर जो है वो इन चार ऑप्शन में से किसका प्रयोग करके 50 से अधिक छात्रों का जो एक समूह है उसे डेटा प्रदर्शित करना चाहता है, और उसका सही जवाब होगा प्रोजेक्टर, क्योंकि दोस्तों प्रोजेक्टर से बड़े पर्दे या फिर दीवार पर बहुत सारे लोगों को एक साथ चित्र दिखाए जा सकते हैं कंप्यूटर के। आगे हम चलते हैं, एक इमारत में ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा डिवाइस सबसे उपयुक्त है, एक इमारत में अगर आपको ग्राफिक्स डिजाइन प्रिंट करना है तो आप कौन सा किसका प्रयोग करेंगे, और आपको सभी को बता दूं प्लॉटर का हम इस्तेमाल करेंगे, प्लॉटर जो है बड़े वेक्टर ग्राफिक्स का छापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, वेक्टर ग्राफिक्स छापने के लिए प्लॉटर, और ये आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, एक प्रकार का प्रिंटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, निम्न से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सही बात है, एक सॉफ्टवेयर जो विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और कंप्यूटर संसाधन साझा करने के लिए उत्तरदायी होता है, ये सही बात है। ठीक है, तो इसमें इसी के बारे में पूछा जाता है कि जो कौन सा सही है, ये बात सही है, एक सॉफ्टवेयर जो विभिन्न गतिविधियों और प्रबंधन में कंप्यूटर संसाधन रिसोर्सेज को साझा करने के लिए उत्तरदायी होता है, इसका सही जवाब यही रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर का मूलभूत सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में क्या करता है, सभी सॉफ्टवेयर्स को, सभी हार्डवेयर्स को मैनेज करता है तथा दूसरे सॉफ्टवेयर्स को चलने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑप्शन है लिनक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, और इसका सही जवाब रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एज, क्योंकि दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एज एक ब्राउजर का उदाहरण है, ब्राउजर, ठीक है, जिसमें हम इंटरनेट चलाते हैं। अब आप पूछेंगे, मैं आपको कहूँ कि ये माइक्रोसॉफ्ट एज जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है, अब आप कहेंगे कि सर आपने कुछ देर पहले बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया ब्राउजर का नाम इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो जी हाँ दोस्तों आपको सही पता है इस बात का, मैं आपको बता दूँ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से ब्राउजर बनाया था जो कि विंडोज 10 से पहले तक काम करता था, विंडोज 10 में इन्होंने इसी का नाम परिवर्तित करके और इसको माइक्रोसॉफ्ट एज का नाम दे दिया है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है? डिवाइस प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, ऑनलाइन सुरक्षा और ध्वनि प्रबंधन। और उसका सही जवाब रहेगा ऑनलाइन सुरक्षा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ कई यूजर्स को कार्य करने के लिए सुविधा प्रदान करता है? ठीक है, बैच यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर। आपको मैं बता दूं इसका सही जवाब रहेगा मल्टी यूजर। जब हम एक कंप्यूटर में एक से अधिक कार्य करते हैं तो इसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। दोस्तों राजस्थान पुलिस में यहां से पूरे क्वेश्चन मिले थे, मैं फिर से आपको वादे से कह रहा हूं, विश्वास दिला रहा हूं, अगर आपने यहां से कंप्यूटर की तैयारी कर ली तो आपका पटवारी में कंप्यूटर के सभी क्वेश्चंस सही हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट